आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बगैर सूचना के ऑपरेशन करने वाला चिकित्सक हुआ गिरफ्तार। दरअसल मामला रोहतास जिला डेहरी ऑन सोन का है, जहां बिना पति के सहमति के एक प्रसव पीड़ित महिला का ऑपरेशन कर मोटी रकम के लिए दबाव देने वाले एक चिकित्सक दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित औरंगाबाद जिला के ओबरा निवासी संजीत कुमार ने कहा है कि उनकी 22 वर्षीय पत्नी अमृता कुमारी प्रसव पीड़ित थी। शाम वे अपनी पत्नी का इलाज कराने डेघरी जीटी रोड बस स्टैंड के समीप चंदा नर्सिंग होम में लेकर अपने साथ आए। नर्सिंग होम के चिकित्सकों ने उनसे 5,000 रुपए जमा कराकर पत्नी के चेकअप करने की बात कही और बात कहकर उनकी पत्नी को एक कमरे के अंदर ले जाया गया और कुछ देर बाद डॉक्टर मनोज कुमार व उनकी पत्नी डॉक्टर वंदना कुमारी द्वारा बाहर निकल कर यह बताया गया कि उनकी पत्नी का बच्चा हुआ है। पीड़ित परिवार समझा कि उनकी पत्नी का नॉर्मल बच्चा हुआ है, किंतु चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर डिलीवरी होने की बात बताई, जबकि ऑपरेशन कराने के समय ना तो उनकी सहमति ली गई और ना ही वह मौखिक जानकारी दी गई। हालांकि उनकी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी, किंतु पैसे के लालच में चिकित्सक दंपति ने ऑपरेशन उपरांत मोटी रकम जमा कराने का दबाव देने लगे। पैसे के लालच में ऑपरेशन किए जाने की सूचना पर परिजन आक्रोशित है, मामला थाने में दर्ज कराया गया। इस घटना को सुनने के बाद डेघरी नगर थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने बताया कि ओबरा निवासी संजीत सिंह द्वारा चिकित्सक दंपति पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में चंदा हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि महिला चिकित्सक फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतास से रोहित सिंह की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। इस पेशेंट को किसने भेजा था? यह पेशेंट हमारे यहाँ आने से पूर्व डॉक्टर निर्मल जी के यहाँ एडमिट थी। उनके यहाँ जो एक स्टाफ रहती है, सुनीता नाम की एक नर्स है, वो लेकर आई हुई थी में, और बिना पति के जानकारी का और पत्नी का ऑपरेशन कर बच्चा पैदा करने की बात सामने आई है। आप क्या कहना चाहते हैं और कौन है उनके? मैं, मेरे छोटे भाई की पत्नी है जिनका यहाँ सर्जरी किया गया है। मेरा नाम राजेश है, मैं उड़ा का रहने वाला हूँ। 9:15 बजे कल सुबह में मेरे पेशेंट को लेकर के यहाँ लोग आए थे और उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मल जांच वगैरह होता है वो सब शुरू हुआ कि हम लोग जांच करते हैं। हम लोग ठीक है, जांच करिए, क्या स्थिति है बताइए। आधे घंटे के बाद हम लोगों को, मेरा छोटा भाई यहाँ पर था जिसकी पत्नी है, तो इसको दबाव दिया जाने लगा कि आप ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इन्होंने साफ मना किया, बोला कि हम ऑपरेशन अभी नहीं करवाएंगे, मैं अपने भाई ने घर में गार्जियन है, मैं उनसे राय लूंगा, उसके बाद जो भी होगा होगा, ऑपरेशन मैं नहीं कराऊंगा अभी। उसके बाद ये हमसे फोन पर बात करने लगे कि देखिए ऐसा ऐसा वो डॉक्टर हमको बोल रहे हैं। हमने कहा कि रुको, अभी मैं बात करता हूं, उसके बाद जो भी होगा निर्णय लिया जाएगा, इसमें क्या करना है नहीं करना है। तब तक इसको आकर के बताया गया कि ऑपरेशन हो गया। तो हमें आश्चर्य हुआ कि बिना पेरेंट्स की अनुमति की या सहमति के ऑपरेशन कैसे कर दिया गया। मैंने इनसे पूछा कि क्या तुमसे सहमति ली गई? तो नहीं, मैंने तो मना किया था, उसके बावजूद भी मेरी बिना सहमति के ऑपरेशन जबरन कर दिया गया पैसे के लोग, जो कि बिल्कुल अपराध है। और कितना पैसा लिया गया आपसे? 5,000 लिया गया और 20,000 और मांगा जा रहा है। कितना और मांगा जा रहा था? 20,000 और मांगा जा रहा है। अच्छा, तो क्या सहमति पत्र पर आप साइन किए हैं? नहीं, हम उनको बोले हैं कि हम पहले अपने गार्जियन से बात करेंगे, अब हम बोलेंगे तब आपको करना है। मतलब ऑपरेशन होने की जानकारी आपको नहीं थी? नहीं। अच्छा, ऑपरेशन होने के बाद आपने इसकी शिकायत लिखित थाना में दिया है? जी दिया है।